नमस्ते दोस्तों, आज हम कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं जो आपके टेस्ट बड्स को एक रॉयल ट्रीट देगा, शाही कुल्फी। इसे बनाने के लिए ना कोई मशीन ना ज्यादा टाइम, बस कुछ घर के इंग्रेडिएंट्स और आपका प्यार। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक सीक्रेट रेसिपी जो मेरे घर में जनरेशन से चली आ रही है। इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए वो राज जो आपको बनाएगा कुल्फी मास्टर। तो चलिए इस समर को बनाते हैं और भी स्पेशल, एकदम क्रीमी और ऑथेंटिक शाही कुल्फी के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने लिया है 1 लीटर फुल फैट मिल्क, और इस 1 लीटर से इतनी सारी, यानी कि मैं तो 3 तरह की आइसक्रीम बनाने वाली हूँ। फुल फैट मिल्क ही लेना है, इससे आइसक्रीम बहुत अच्छी बनती है। भारी तली के बर्तन में हम दूध डालेंगे और इसे चलाएंगे। दूध को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। बीच बीच में हम अपने और काम भी कर सकते हैं, जैसे कुल्फी के लिए शाही कुल्फी बना रहे हैं तो नट्स भी तो कट करने हैं, थोड़े बहुत हम नट्स कट कर लेते हैं। मैंने लिए हैं काजू, बादाम और किशमिश। इसके अलावा आप चाहें तो पिस्ता भी डाल सकते हैं। इन सबको मैं थोड़ा बारीक बारीक कट कर लूँगी, गर्मी बहुत है तो मैंने सोचा चलो बैठ कर कट कर लेते हैं। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। ये देखिए, दूध अच्छे से उफन गया है, अब हम इसकी मलाई जमने देंगे। तब तक के लिए मैं थोड़ी सी केसर भिगो देती हूँ। ये ट्रिक आपने सुनी है क्या? केसर को थोड़ा सा रोस्ट करके पीस के जब आप बर्फ के साथ भिगोते हैं ना, तो इसका बहुत अच्छा रंग आता है। 5 से 6 इलायची ली है मैंने। मैं पहले इनका छिलका हटा दूंगी, उसके बाद मैं इनको पीस लूंगी। गर्मियों ने अपनी सारी हदें पार कर ली हैं, तो हम कितना ही बाहर की आइसक्रीम खाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे, इसलिए घर पर बिना प्रिजर्वेटिव के आइसक्रीम बनाइए। आप बाजार की खाना भूल जाएंगे, इतनी क्रीमी, मलाईदार और दानेदार कुल्फी बनकर तैयार होगी। जैसे जैसे मलाई जमती जाए, हमें इस मलाई को, ये जो पतीला है, इसके साइड में स्टिक करते जाना है। मैंने लिया है एक बाउल जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। ये जो मिल्क पाउडर है ना, इससे आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनती है। इसी मिल्क पाउडर की वजह से हमें क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने जो केसर भिगो कर रखी थी और इलायची कूट कर रखी थी वो डाली है। अब मैं डाल रही हूँ लगभग 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। यहाँ मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दूध बहुत अच्छे से उबल रहा है, मलाई जम रही है। हमें इस दूध को इतना रिड्यूस करना है कि ये आधा रह जाए। दूध को उबलते हुए 15 मिनट हो गए हैं, दूध आधा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर का ये जो मिक्सचर है ना, वो कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे और धीरे धीरे करके इसको मिक्स करेंगे। इसमें लंप्स नहीं पड़ने चाहिए। मैंने पूरा का पूरा मिक्सचर ऐड कर लिया है। अब ये एकदम गाढ़ी हो गई है हमारी कुल्फी, जैसे बिल्कुल रबड़ी बनाते हैं ना, केसर वाली रबड़ी लग रही है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। मैं डाल रही हूँ देसी खांड, आप चाहें तो नॉर्मल मिश्री का पाउडर या चीनी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून चीनी डाली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे इस बात का ध्यान रखना है कि कोई चीज़ अगर हम ठंडी खाते हैं ना, तो वो फिर फीकी लगती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चीनी का इस्तेमाल करें। जब आपको लगे कि चीनी पक चुकी है अच्छे से, चीनी का पानी सूख चुका है, बस गैस की फ्लेम को बंद कर दें। गैस से इसको उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश अभी डाल रही हूँ, बाकी के मैं बाद में डालूंगी,
क्योंकि अभी हमें इसको मिक्स करना है। ये जो साइड वाली मलाई है ना, इसको अभी नहीं निकालना है। बस ये जो ड्राई फ्रूट है ना, इससे भी ना ये बहुत क्रीमी और दानेदार बन जाएगी ना, तो बस थोड़ा सा ब्लेंडर को एक जगह पे रख कर चला लेना है बस कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर हम इस मलाई को, ये जो रबड़ी हमने जमा दी है ना, इसको उतारेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इससे ये बहुत ही बिल्कुल मलाईदार, लच्छेदार शाही कुल्फी बनकर तैयार होगी। ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ना क्रीम चाहिए, ना कंडेंस्ड मिल्क, बस घर के पड़े कुछ ही सामानों से झटपट बनकर तैयार हो जाती है। कुल्फी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। मैंने ये दो ढक्कन वाले प्लास्टिक के डब्बे लिए हैं, दो छोटी सी मटकी मेरे पास पड़ी थी, मैं उनमें जमा रही हूँ। बस आप भी अपने अकॉर्डिंग ग्लास में भी जमा सकते हैं, कप में जमा सकते हैं, स्टील के जो डब्बे आते हैं ना, पतला लंबा कोई आपके पास हो, आप उसमें भी जमा सकते हैं। ऊपर से बेकिंग पेपर से पैक कर रही हूँ, अच्छे से रबर लगा रही हूँ ताकि बर्फ़ के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो ना जमे। एक बार अगर आपने ये कुल्फी बना ली ना, तो मार्केट की खाना भूल जाएंगे। इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट अंदर ही मिक्स कर दे रही हूँ। शाही कुल्फी है तो शाही अंदाज भी तो होना चाहिए ना। अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें भी बेकिंग पेपर लगा कर ढक्कन से टाइटली मैं पैक कर लूँगी। 6 से 8 घंटे तक हम इसको फ्रीजर में रखेंगे। आप अगर ओवरनाइट रखना चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया कुल्फी हमारी मटका कुल्फी बनकर तैयार हुई है और कितने अच्छे से जम गई है। फ्रिज का टेम्परेचर आप चेक जरूर कर लें कि सही होना चाहिए, वरना आइसक्रीम अच्छी नहीं जमेगी। ये देखिए कोई पानी के, बर्फ़ के क्रिस्टल्स नहीं है, बिल्कुल क्रीमी स्मूथ बनकर तैयार हुई है। ये जो एक डब्बा है, मैं इसमें स्टिक्स डाल रही हूँ। वो जो स्टिक वाली कुल्फी हमने बचपन में खाई थी ना, बस उन्हीं बचपन की यादों को ताज़ा कर रही हूँ। आप में से किस किस ने ये जो कुल्फी खाई है बचपन में, वो जो टन 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 टन, अभी भी पता है घर के बाहर मेरे टन 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 बज रही है। पर हम अब घर में बनाना सीख गए हैं, तो बढ़िया सी, ये देखिए क्या बढ़िया बनी है। बाहर निकल के आइए कितना इजीली। अगर आपको लगे कि आइसक्रीम बाहर नहीं निकल रही है ना, तो डब्बा समेत ऊपर से पकड़ के आप पानी में ऐसे एक दो बार घुमा लें, तो बस आपकी क्रीमी शाही कुल्फी अपने आप बाहर आ जाएगी। आप देखिए ना कितनी, मतलब ऐसे कितनी टेम्पटिंग सी लग रही है। इसको भी मैं थोड़ा सा गार्निशिंग कर लूंगी कुछ नट्स के साथ। फुल्ली ऑथेंटिक शाही कुल्फी अब ये जो है खाने के लिए तैयार है, मुझसे तो रुका भी नहीं जा रहा है। इसके अलावा जो एक डब्बा और है ना, उसको भी मैं निकालूंगी, और ये जो है ना, इसको हम निकालेंगे, इसको मैं रोल कट करूंगी। रोल कट कुल्फी भी आपने खाई होगी ना, कितनी अच्छी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट। ये देखिए कितनी आसानी से कट रही है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आप और कौन सी रेसिपीज देखना चाहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग। अरे वाह, यम्मी।